वृंदावन में ऐसे अनेक भक्त हैं जो 120 माला का जप करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें। अतः 16 माला न्यूनतम संख्या है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाश्चात्य देशों में 64 माला अथवा 120 माला करना एक दुष्कर कार्य है। कम से कम 16 माला जप पूरा करना ही चाहिए। तो पॉइंट ये है कि शिला प्रभुपाद जी चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि हम माला करें, है ना, ज्यादा माला करें। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो बोलते थे कि जो गौड़ीय मठ में रहते हैं उनको 64 माला रोज करना चाहिए, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, इस्कॉन में भी स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने 64 राउंड्स का प्रयास किया जब एस्टेब्लिश किया था, लेकिन डिवोटीज नहीं कर पा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने फिर 32 किया, फिर वो भी नहीं हो पाया तो 25 कर दिया, वो भी नहीं हो पाया तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा 16, लेकिन इससे कम नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहीं भी ये नहीं बोला है कि केवल 16 माला ही करना है। प्रभुपाद जी बोलते थे 16 मिनिमम, कम से कम 16 करना है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी किया जा सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना भी किया जा सकता है। और एक जगह शिला प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं, बोले असली एकादशी का मतलब क्या है, असली एकादशी का मतलब है केवल चैंटिंग और फास्टिंग। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोले एकादशी के दिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो बाकी सारे कार्य बंद कर दो, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है बाकी सारे कार्य बंद कर दो, केवल फास्टिंग और चैंटिंग। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें, फास्टिंग करने से चैंटिंग इजी हो जाता है, और ये हमने अनुभव भी किया है। अब लेकिन ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने एक लेटर में लिखा है एक डिवोटी को, हमको ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये सुन के कई लोग बहुत ज्यादा जो उत्साहित हो जाएंगे कई भक्त, और जो है बिल्कुल निर्जला करेंगे, फिर वो कैरी ऑन नहीं हो पाता। तो पॉइंट ये कि प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि कम भोजन करने से भजन अच्छा होता है, तो ये फैक्ट है। फिर भी अपने शरीर के हिसाब से हमको देखना है, तो हम टारगेट तो ले 64 का, इतना हो पाता है। अभी जैसे हम तो अभी मैं दर्शन करने गया था भगवान का, तो भगवान से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु 64 हो जाए, क्योंकि अब भगवान की इच्छा है तो हमको प्रयास करना है, पॉइंट ये है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोले हैं। अब इसके अलावा देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो एक एक बुक है, एक रचना है आर्ट ऑफ प्योर डिवोशन, उसमें क्या लिख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, गौड़ीय मठ में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन हरि नाम का 1 लाख जप करने का प्रयास करना अवश्य करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उस समय गौड़ीय मठ में सिस्टम बनाया था कि 64 राउंड्स करते थे सारे डिवोटीज रोज। अब आगे लिख रहे हैं, अन्यथा विभिन्न प्रकार की भौतिक आसक्तियां दबे पांव व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। अगर 64 राउंड्स करने का प्रयास नहीं करता कोई, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिख रहे हैं कि बहुत सारी आसक्तियां जो हैं वो हमारे हृदय के अंदर चुपचाप आ जाएंगी और भक्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करेंगी। तो लिख रहे हैं आगे, इसका देखते हैं, हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारी आसक्तियां हैं हमारी, धन से, जन से, अनेक प्रकार की आसक्तियां हैं। तो ये आसक्तियां आ जाती हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, वस्तुतः जो अनुदिन 1 लाख हरिनाम का जप नहीं करता, भगवान उसके हाथ से भोग स्वीकार नहीं करते। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है। क्या बोला है कि जो ये चैतन्य भागवत के अंदर आता है ना, क्या चैतन्य भागवत के में आता है, प्रभु बोले जान लक्षेश्वर बलि कारे, प्रतिदिन लक्ष नाम ये ग्रहण करे, सहजनेर नाम आमी लक्ष आमी बाली लक्षेश्वर तथा भिक्षा आमार ना याई अन्य घर। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि जो लखपति है, लखपति लखपति मतलब पैसों में लखपति नहीं, माला के अंदर लखपति है, मतलब जो 1 लाख नाम जप करता है, मतलब जो 64 माला रोज करता है, मैं उसी को लखपति मानता हूँ और मैं उसी व्यक्ति के घर में भोजन ग्रहण करता हूँ, अन्य किसी के नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने समय में उसी व्यक्ति के घर भोजन करते थे जो 64 माला करता था। आप समझ गए। तो व्यक्ति को इस प्रकार अपने समय का जो है, अपने को इस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए, है ना, कि हमको जो है हमारा टाइम को इस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, अपनी सेवाओं को करते हुए, ऐसा नहीं कि हम अपनी सेवाएं छोड़ के 64 माला करें। शिला प्रभुपाद जी ने नहीं ये सिखाया नहीं है।
प्रभुपाद जी ये बोलते थे कि अपनी सेवा करने के साथ साथ, अपनी दैनिक सेवा के साथ साथ 64 माला कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और 64 से ज्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। आप समझ गए? तो हमको अपने जीवन को इस प्रकार से डालें, हम शेड्यूल इस प्रकार से बनाएं कि हम अगर 64 माला रोज कर सके तो उसका मुकाबला नहीं, पर इसके लिए अपनी सेवा छोड़नी नहीं। सेवा करते हुए अगर हम 64 राउंड्स कर पाए एवरी डे, दैट इज बेस्ट। तो एटलीस्ट अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन हम प्रयास करें। तो आज जो है हम लोग प्रयास करेंगे भगवान से प्रार्थना करके, जितना हो सके 64 राउंड्स जितना हो जाए, टारगेट तो ले एटलीस्ट अब जितना हो पाता है ना। तो अगर हम करेंगे तो हम अपने जो है प्रार्थना करें भगवान से, और उसके बाद एक्सपीरियंस होगा कुछ, तो एक्सपीरियंस जो है हमको जो है हम शेयर कर सकते हैं फिर कल, रियलाइजेशन शेयरिंग कि कैसा लगा है ना, 64 माला का एक्सपीरियंस जो है कैसा लगा। ठीक है, श्री हरि नाम प्रभु की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, हरि हरि।